पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा भरकटिया पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल द स्टार्टर व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी है सुबह के 8:30 बजे से। फिलहाल हमारा झाड़ू पोछा हो चुका है और आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है। मैं कह रही थी ना कि ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है, ब्रेकफास्ट इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि मामी लोगों का ना लेंटर पड़ने वाला है और लेंटर वो उसका है मतलब गाय का घर बना रहे हैं, गोट बना रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ लेंटर पड़ेगा तो उनके लिए मिस्त्रियों के लिए खाना बनाना है। तो मामी मम्मी से कह रही थी कि मतलब नीचे खाना बनाएंगे उनके परिवार के लिए और हमारे परिवार के लिए, इस वजह से हमारा ब्रेकफास्ट नीचे होगा मामी के उधर। और मुझे धोने हैं पतिदेव के कपड़े क्योंकि नाश्ता तो बनाना नहीं है, तो पतिदेव के कपड़े धो लेती हूँ। मुझे एक महीने से ना पूरे एक महीने से आलस आ रहा था इस चीज़ को लेके। जब पतिदेव घर आए थे तो उन्होंने हल्दी में कुर्ता और पजामा पहना था येलो कलर का, तो मैंने वो धोया ही नहीं, बहुत आलस आ रहा था मुझे, उसमें पूरा कलर गिरा था और हल्दी लगी हुई थी तो तभी मैंने धोया नहीं। लेकिन अब धोना पड़ेगा क्योंकि जब भी वो घर आएंगे तो उस कुर्ते को पहनेंगे, मतलब नामकरण के टाइम पर येल्लो कुर्ता ऐसे कुछ पहनते हैं शायद, तो वो पहनेंगे तभी। फिर बाद में मैं धो नहीं पाऊँगी ना, असज भी होता है थोड़ा धोने में कपड़े वगैरह, इस वजह से तो धोते हैं उनके कपड़े, फिर मिलते हैं आपसे। और यहाँ पे धो दिए हैं मैंने पतिदेव के कपड़े, कुर्ता पजामा। नीचे खाना बनाने में तो काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बनाना है ना, और मुझे लग गई थी भूख और अभी 9:30 भी हो गए हैं। फिर मेरे सुबह की जो दवाइयाँ होती हैं वो खाने का टाइम लेट हो जाता है, तो मैंने अपने लिए बना लिए 2 पराठे और दही लेके आई हूँ। सब्जी तो कल रात की बची हुई थी, बाकी फटाफट पराठे बनाए दो। अब करती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर इसके बाद में जाऊँगी नीचे खाने के लिए, मतलब होता है ना जल्दी जल्दी भूख लगी जाती है वैसे भी, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, नाश्ता करते हैं पहले। दोस्तों नाश्ता तो मेरा हो गया था लेकिन अब मैं दोबारा जा रही हूँ, मेरा नीचे से बुलावा आ गया है नाश्ता करने के लिए आ जा करके। तो मतलब 10:30 हो गए हैं, मैंने 9:30 बजे कर लिया था, 1 घंटा हो गया है। बस मैं एक रोटी खाऊंगी पर, लेकिन नीचे नानी लोग भी आए हैं तो उनसे भी मिल लूँगी। यहाँ पे चल रहा है काम, नानी बोलो कुछ। हेलो गाइस, को हेलो गाइस, कैसी हो? आज बहुत दिन में आ रही हूँ ब्लॉग में। बहुत दिन में, एक हमारे घर का है ना, मैंने तुमसे देखे बाबा वो मैंने वो कर दिया कुमार थी। अरे को अरे क्या आज नानी उजाले में बैठी है, मम्मी अंधेरे में बैठी है। आज नानी के गोट का लेंटर पड़ रहा है, गाय के गोट का लेंटर। नानी ब्लॉग के थ्रू देखती है मैं क्या क्या करती हूँ, कहाँ हूँ, वही तो यहाँ पे बनती है पूरियां। मेरा स्टोरेज बढ़ जा रहा है जब मैं बना रही हूँ। अब नानी मेरा टीकाकरण कर रही है इधर। फिर बोलूंगी बोलो ब्लॉग में, नानी बोलिए दांत पहना के आती हूँ मतलब। फिर खुल के बोल पाएंगी ना, नहीं तो अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ नानी ने कर दिया है मेरा टीकाकरण। ऐसे मामी लोगों का अगर इस साइड को है ना तो इसके जस्ट सामने पे बना रहे हैं गोट, खाना ले जाने लग गए मिस्त्रियों के लिए। मिस्त्रियों के लिए खाना सेवा, मिस्त्रियों की पेट पूजा को। पानी डालनी सही बनाई।
रोड ब्लॉक। अरे ए मोटे मूली के पत्ते खाएगा। दोस्तों मामी लोगों के लेंटर भी पड़ गया है और हमारा खाना भी हो गया है, मतलब दिन का खाना भी यही था, तो दिन का खाना वगैरह भी हो गया और अब तो 4 भी बज गए हैं। बाकी अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, घर जाके फिर घूमने के लिए जाएंगे। बज चुके हैं और आज तो नींद आई नहीं क्योंकि ज्यादा ही लेट हो गया था, 4 बजे में नीचे से आई। बाकी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम सुबह धूप हुई थी, मतलब बहुत चट धूप आई थी, उसके बाद धीरे धीरे हो रहा था लेकिन अभी स्टार्ट हो गई है 5 बजे बारिश। अभी आ रही है हल्की हल्की बारिश, मतलब स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे हो गया है किला, दोस्तों रात का खाना हमारा हो चुका है और यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देव भूमि उत्तराखंड, बाय।